श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद अध्याय 21। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद 21 अध्याय। गुणदोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मेरी प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जो इन्हें छोड़कर चंचल इंद्रियों के द्वारा शुद्ध भोग भोगते हैं, वे बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटकते रहते हैं। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अंधकार चेष्टा करना दोष है। तात्पर्य यह कि गुण और दोष दोनों की व्यवस्था अधिकार के अनुसार की जाती है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। वस्तुओं के समान होने पर भी शुद्धि शुद्धि, गुण दोष और शुभ शुभ आदि का जो विधान किया जाता है, उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके और उसमें संदेह उत्पन्न करके ही यह योग्य है कि अयोग्य स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके, उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में भी सुविधा हो। इससे यह लाभ भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक सहज वृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्रानुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। निष्पाप उद्धव, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्मजड़ों के लिए उपदेश किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशे पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीरों के मूल कारण हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान है ही, सबका आत्मा भी एक ही है। प्रिय उद्धव, यद्यपि सबके शरीरों के पंचभूत समान हैं, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासनामूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। साधु श्रेष्ठ, देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा इसीलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति न हो, मर्यादा का भंग न होने पावे। देशों में वह देश अपवित्र है जिसमें कृष्ण सार मृग न हो और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त न हो। कृष्ण सार मृग के होने पर भी केवल उन प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है। संस्कार रहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं। समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिल सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करने की सामग्री न मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वह समय अशुद्ध है। पदार्थों की शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व अथवा अल्पत्व से भी होती है। जैसे कोई पात्र जल से शुद्ध और मूत्रादि से अशुद्ध हो जाता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाती है, अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कने से शुद्ध और सूंघने से अशुद्ध माने जाते हैं। तत्काल का पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदि का जल शुद्ध और छोटे गड्ढों का अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रम से समझ लेना चाहिए। शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभव के अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करने वाले की आयु का विचार करते हुए ही
अशुद्ध वस्तुओं के व्यवहार का दोष ठीक तरह से आका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, बलवान निर्बल, बुद्धिमान मूर्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्था के भेद से शुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेज, घी आदि रस, सोना पारा आदि तेजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलाने से, मिट्टी लगाने से अथवा जल में धोने से शुद्ध जाते हैं। देश, काल और अवस्था के अनुसार कहीं जल, मिट्टी आदि शोधक सामग्री के संयोग से शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं घी एक एक से भी शुद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु में कोई अशुद्ध पदार्थ लग गया हो तो छीलने से या मिट्टी आदि मलने से जब उस पदार्थ की गंध और लेप न रहे और वह वस्तु अपने पूर्व रूप में आ जाए तब उसको शुद्ध समझना चाहिए। स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरण से चित्त की शुद्धि होती है। इनके द्वारा शुद्ध होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को विहित कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुरुमुख से सुनकर भली भांति हृदयगम कर लेने से, मंत्र की और मुझे समर्पित कर देने से कर्म की शुद्धि होती है। उद्धव जी, इस प्रकार देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र और कर्मेन छहों के शुद्ध होने से धर्म और अशुद्ध होने से अधर्म होता है। कहीं भी शास्त्र विधि से गुण दोष हो जाता है और दोष गुण। जैसे ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन, गायत्री जप आदि गुण हैं, परंतु शूद्र के लिए दोष हैं और दूध आदि का व्यापार वैश्य के लिए विहित है परंतु ब्राह्मण के लिए अत्यंत निषिद्ध है। एक ही वस्तु के विषय में किसी के लिए गुण और किसी के लिए दोष का विधान गुण और दोषों की वास्तविकता का खंडन कर देता है और इससे यह निश्चय होता है कि गुण दोष का यह भेद कल्पित है। जो लोग पतित हैं, वे पतितों का सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं लगता, जबकि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए वह सर्वथा त्याज्य होता है। जैसे गृहस्थों के लिए स्वाभाविक होने के कारण अपनी पत्नी का संग पाप नहीं है परंतु सन्यासी के लिए घोर पाप है। उद्धव जी, बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है वह गिरेगा कहाँ। वैसे ही जो पहले से ही पतित हैं, उनका अब और पतन क्या होगा। जिन जिन दोषों और गुणों से मनुष्य का चित्त उपर्त हो जाता है उन्हीं वस्तुओं के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। मनुष्यों के लिए यह निवृत्ति रूप धर्म ही परम कल्याण का साधन है क्योंकि यही शोक, मोह और भय को मिटाने वाला है। उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के समय अपने हित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। साधु, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में न तो उसका स्वार्थ बनता है और न तो परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषरूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लोहार की धौंकनी की हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है
और न किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, यह स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं, बेटा प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्गादि का जो वर्णन मिलता है वह ज्योकात्यो सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा? दुर्बुद्धि लोग कर्मवादी वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्माशक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेदवेत्ता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्ग आदि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञागादि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निद्धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं। इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में हूँ। यदि हिंसा और उनके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो, तो यज्ञ में ही करे। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदनादि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषयलोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान हैं। वास्तव में वे असत हैं। केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी, वेदों में तीन कान हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान।
इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्मा और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं, और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं। इसी से रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमारहित और गहरा है, उसकी थाह लगाना अत्यंत कठिन है। इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्मा हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल में पतलासा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहतनाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण, और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मनरूप निमित्तिकारण के द्वारा हृदयाकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली वैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृदगत सूक्ष्म ओंकार के द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श तसे लेकर मतक 25 स्वर ऐसे औतक 9 ऊष्मा शक शक स हा और अंतस्थ ये प्र ला व वर्णों से विभूषित है। उसमें ऐसे छंद हैं जिसमें उत्तरोत्तर चार चार वर्ण बढ़ते जाते हैं, और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वह विस्तृत हुई है। चार चार अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ ये हैं: गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति अतिछंद अत्यष्टि अतिजगति और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों को इस संबंध में श्रुति के सहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं, और ज्ञान कांड में आकाशादि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती है। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं, और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं, और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूँ।